किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने पर मनाया काला दिवस। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी काला दिवस के क्रम में मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन के माध्यम से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने कहा कि किसान संगठन अपनी बेहद जायज मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत ही विषम परिस्थितियों में साहस व दृढ़ निश्चय से आंदोलनरत है। पूरे प्रदेश के किसानों का संपूर्ण समर्थन करते हुए सरकार के रवैये पर सख्त रोष प्रकट किया। इस मौके पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन यह मांग करता है कि तीनों नए काले व विनाशकारी पूंजीपति किसान विरोधी कानून निरस्त किए जाएं, किसानों की सभी फसलों दूध आदि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए, बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी की जाएं, आदि इन सब बातों को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर रोहिताश राजपूत, हर किशोर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। किस मामले को ज्ञापन दिया? आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। किसान आंदोलन को चलते हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं और देश की गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जूने रेंग रही है। किसान बॉर्डर पर पड़ा है और 200 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसानों के ऊपर ये थोपे गए काले कानून सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिए हैं। आज पूरे देश का किसान काले झंडे लेकर, काली पट्टियां बांध करके काला दिवस मना रहा है और इस सरकार को चेता रहा है कि तुरंत ये काले कानून जो किसानों पर थोपे गए हैं इनको वापस लिया जाए। और देश के अंदर जो ये सरकार निजीकरण कर रही है, रेल बेच रही है, बैंक बेच रही है, बीमा बेच रही है और शिक्षा को बेच दिया, कोई सेक्टर ऐसा इस मोदी सरकार ने नहीं छोड़ा जो ना बेचा हो। जबकि मोदी जी कहते थे देश को बहनों भाइयों झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। आज हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि मोदी देश के अंदर कौन सी चीज ऐसी तुमने छोड़ी है जो कि देश के अंदर नहीं बेच रही है। आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के अंदर नहीं पैदा हुआ, पूरे भारत के अंदर ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं आया जो पल पल पर झूठ बोलता है। आज तमाम कहते हैं कि चीन ने देश पर कब्जा नहीं करा, कभी कहते हैं चीन देश के अंदर घुस गया। इतना झूठ और फरेब ये सरकार बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि तत्काल ये कृषि कानून वापस लें और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे ये आंदोलन तेज गति पकड़ेगा। अब किसान जाग गया है, किसानों को इन्होंने गुमराह किया था, छोटा किसान अब आंदोलन में उतरा है और ये कृषि कानून इसको वापस करने पड़े।